の彼でした。Episode 1. Hello, Anton. तुम जल्दी आओगे ना? जानना मेरी जान, I'm sorry, मुझे देर हो जाएगी. मैं अभी भी बहुत बिजी हूँ. हमारे पेरेंट्स अब तक 5 बार कॉल कर चुके हैं. टैक्सी बुलाऊं या क्या करूं, बताओगे? मैंने तुम्हें लेने के लिए कार भिजवा दी है. तुम मुझसे नाराज मत हो और गुस्सा मत होना. मैं करूंगी गुस्सा. नाराज हूँ तो हनी, मैं बस निकल रही हूँ, प्लीज फिक्र मत करो. मैं बस ऑफिस से निकल गई हूँ. क्या तमाशा है यार. हम कोई ऐसा ही डिसीजन लेंगे जो हम दोनों के लिए फायदेमंद होगा, इसलिए आप प्लीज तब तक इस पर ध्यान दीजिए. अरे जल्दी आओ. और हाँ, सबसे इंटरेस्टिंग बात, इनका कोरिलेशन उन सब के साथ जो अभी आप सब कह रहे थे. बस एक मिनट. जैसा कि मैं कह रहा था. क्या कर रहे हो? मैं सिक्योरिटी बुला लूंगी. मैं सिक्योरिटी से हूं मैम. मिस्टर एंटोन ने मुझे आपको लेने के लिए भेजा. आइए मेरे साथ. ये लो. लेकिन तुम गुंडे की तरह बर्ताव क्यों कर रहे हो? एंटोन को मेरी तरफ से थैंक्स कह देना. आज किस बात की दावत है मैम? केक को जरा संभाल कर रखो. तुम्हें तो ये सब पता होना चाहिए ना. मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा है. आपने सही कहा. वैसे भी आप खुद से मतलब रखती हैं. ओह गॉड, मुझे नहीं पता था एंटोन के गार्ड्स इतने भावुक हैं. मैं उनके सिक्योरिटी सर्विस का हेड हूँ, उनका सर्वेंट नहीं हूँ. ओके, मैं याद रखूंगी. तो चले फिर. आप रेडी हैं? हाँ बिल्कुल. तो फिर आ जाइए. माँ, डिशेस को थोड़ा पास रखिए वरना जगह नहीं होगी. ठीक है बेटा, इसे यहाँ रखते हैं. बड़ी आई बिजनेस वुमन. और नहीं तो क्या? इस बिजनेस लेडी को थोड़ा सा और स्पेशियस अपार्टमेंट चाहिए. माँ, और बड़ा अपार्टमेंट कहाँ से लाऊं? मेरी कंपनी बस 2 साल पुरानी है. इस अपार्टमेंट के लिए भी ले देकर पैसे कमाए. नताशा बहुत होशियार है माँ. आप देख लेना, 2 साल के अंदर उसका घर मेरे और एंटोन से भी बड़ा होगा. आप देखना, है ना? हाँ बिल्कुल देखेंगे. अटेंशन प्लीज. क्या हुआ? ये हमारी तरफ से एक तोहफा है. अपने नए घर में खुश रहना. ओहो, तुम पागल हो. ओह माय गॉड, कितना खूबसूरत है. ज़ारा, ये बहुत अच्छा लगा. ट्राई करना है? मैं तुम्हें पहना दूँ? आराम से. ये बहुत सुंदर है. चलो आओ. लेकिन तुम्हें एक बात बता दूं, जल्दी से अच्छा सा प्लमर ढूंढ दो तो बेहतर होगा. क्या लड़की हो तुम भी ना. इसे डायमंड्स मिल रहे हैं लेकिन ध्यान अटका है प्लमर्स पर. हमें उनकी भी जरूरत है, समझी? गर्ल्स, तुम्हारी ड्रिंक्स रेडी है. और मेरी शैंपेन कहाँ है? ना 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 ना. मम्मी, मुझे भी थोड़ी शैंपेन चाहिए. प्लीज ना, डिलीवरी के बाद मैं 5 बॉटल एक बार में पी जाऊंगी. भूलो मत, तुम्हें बच्चे को दूध भी पिलाना है. ये तुम्हारे नाम मेरी बच्ची. हमारी यही इच्छा है कि तुम अपने अपार्टमेंट में खुश रहो, पर ज्यादा समय के लिए नहीं. समझ गई ना? डैड, जरा देखो तो इसे. अपनी बेटी के लिए ये क्या विश कर रहे हो? मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि मुझे यकीन है एक दिन हमारा दूसरा दामाद होगा और दूसरा नाती और एक नया घर भी होगा हमारा. डैड वे, मुझे आपके पहले नाती को तो जन्म देने दीजिए, उसके बाद दूसरे नाते की बात करेंगे और फिर उसके बाद एक और भी आ जाएगा. हुर्रे! हुर्रे! जना क्या हुआ? ठीक हो ना तुम?
जाना तुम ठीक तो हो ना? लेबर पेन तो नहीं हो रहा तुम्हें? अगर ये मेरा दूसरा बच्चा होता तो मैं पक्का बता पाती कि ये लेबर पेन है या नहीं। बस अब बहुत हो गया गाइस। क्या मैं? क्या हुआ? एम्बुलेंस बुला दूं? हो गया है। शांत हो जाओ। एंटोन को बुलाइए अभी। सब ठीक है। मॉम उसकी चीजें रख लीजिए। नहीं होगा। डैड हम अभी आते हैं। मैं देखता हूं। तुम्हें पता है डिलीवरी के लिए कहाँ जाना? नहीं, मुझे ये सब नहीं पता। एंटोन ने ये सब हैंडल किया है। एंटोन, हाय। हाँ हाँ, प्लीज मुझे बताओ जाना को डिलीवरी के लिए कौन से हॉस्पिटल में ले जाना है। हाँ सब ठीक है, बस मुझे बताओ कि कहाँ ले जाना है। अच्छा, 7th हॉस्पिटल। ठीक है, समझ गई। अभी हम निकल रहे हैं, तुम्हें बाद में कॉल करके सब बताती हूँ, ठीक है? वो बहुत नर्वस हो रहा है। तो खुशी के मारे पागल हो गया है। मैंने तुम्हारी छुट्टी खराब कर दी। खराब नहीं, तुमने खुशी डबल कर दी है। कैसा लग रहा है? फील करके देखो। सच में Natasha. Hi, new daddy. इस तरफ. And John, $3,952. Dollars. हल्दी भी मिल गया. तुम जाइए मॉम. लड़का हुआ है. Congratulations. जाओ. लड़का हुआ है. लड़का हुआ है. गाउन पहन लीजिए. फोटो खींच लेना. पीछे आइए. जाओ बेटा. जाओ. कितनी पंक्चुएशन गलतियां हैं? लेकिन ये तो 5. ये पूरी तरह से अनप्रोफेशनल है. जरा सुनिए रीटा एगोरोवना, यही तो इसकी खासियत है, यही इसमें दिलचस्प है। माय डियर, सुनो, ये दिलचस्प नहीं है, ये बकवास है, और इसमें तुम्हारी अनप्रोफेशनलिज्म छलक रही है। नताशा होती तो ये कभी नहीं होता, वो कभी होने नहीं देती। जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको हमारे प्रोफेशनलिज्म पर डाउट है। सिर्फ तुम्हारे। गुड मॉर्निंग रीटा एगोरोवना। लगता है कौस्तिया ने तुम्हें अच्छी कंपनी दी है। क्यों, सही कह रही हो ना? हम दोनों बस यही तो डिस्कस कर रहे थे। कौस्तिया, हमारे लिए 2 कॉफीज ले आओगे प्लीज? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ मैंने आपके प्रोजेक्ट पर क्या काम किया है, और मैंने कुछ करेक्शंस भी किए हैं। अच्छी बात। ये लीजिए, देखिए। आप शुगर लेंगी? नतालिया इगोरेवना, प्लीज जरा यहाँ पर आना। क्या हो गया कौस्तिया? हम सेक्रेटरी कब हायर करने वाले हैं। मैं ये जॉब कॉफी बनाने के लिए नहीं कर रहा हूँ। नताशा, तुम मुझे क्लाइंट्स की नजरों में गिरा रही हो। तुम नाराज क्यों हो रहे हो? तुमने गलती की थी और मुझे सब ठीक करना पड़ा। वो एक बेवकूफ है, वो बस मुझे गुस्सा दिला रही है। उसे लोगों को पसंद नहीं आया, उसे स्लोगन पसंद नहीं आया, बस 5 टाइम्स 5 टाइम्स। वो बिल्कुल सही कह रही है। हमेशा की तरह तुम एक जीनियस हो और मैं गधा। बकवास करना बंद करो, ये मेरा प्रोजेक्ट है और मैं ही इसे ठीक कर लूंगी। कल मेरा प्यारा सा भतीजा पैदा हुआ है। तो इसलिए तुम लेट आई थी ना? कोई बात नहीं, बधाई हो। थैंक यू सो मच। बेबी कैसा है? एक मिनट, खुद जान जाओगी। तुम उस मूवी के बारे में जानती हो, महारानी और राजकुमार का आगमन? ये आप लोगों ने क्या किया? इतनी भीड़ में बच्चे को लाने की क्या जरूरत थी? उसे नजर लग गई तो? ये सही कह रही है जॉन, ऐसा क्यों किया तुमने? ये मेरा पहला बच्चा है तो सबको दिखना चाहिए। मर्द है, बहादुर है। जैसी हमारी बात हुई थी किरल, जानना के आते ही रेडी रहना। जा। कब? 5 मिनट में। क्या तुम मुझे कंपनी दोगे? आई एम सॉरी पर मैं काम कर रहा हूँ। क्या आज की पार्टी में हेड ऑफ सिक्योरिटी अपने काम को भूल नहीं सकता? सॉरी पर नहीं। और काम के बाद? Thank you.
फ्रेंड्स, जरा इस तरफ ध्यान दीजिए प्लीज और स्वागत कीजिए। ये एंटोन। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमें बहुत खुशी है कि आज आप हमारे साथ शामिल हैं। आप सभी लोग हमारे सभी करीबी और बेस्ट फ्रेंड्स, मिलिए हमारे छोटे से प्यारे से मिरेकल से। ये हमारी फैमिली का मेन मेंबर है, निकिता एंटोनोविच इसाकोव। प्लीज अपनी ब्लेसिंग्स दीजिए। एंटोन, ये क्या हो रहा है? मुझे नहीं पता क्या हो गया। उसे देखो, एंटोन सांस नहीं ले रहा है। क्या हो गया इसे? एंटोन, डॉक्टर को कॉल करो जल्दी। हाँ ठीक है। हाँ मॉम, हाँ मुझे जाने दीजिए। हेलो डॉक्टर। मॉम, डॉक्टर क्या हुआ है? चिंता मत कीजिए, सब कुछ अंडर कंट्रोल है। चलिए बाहर चलते हैं, बेबी को सोने दीजिए। हाँ गलीना, प्लीज इसका ध्यान रखना। हाँ बिल्कुल, मैं अभी आती हूँ। चिंता मत कीजिए। आप कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन मैंने उसे लिविंग रूम में देखा था जब उसे मैंने अपने गोद में उठाया था। क्या आप समझा सकते हैं कि मेरे बच्चे के साथ हुआ क्या है? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, उसे हुआ क्या है? उनकी बात तो सुनो। जहाँ तक मुझे बात समझ आई है, अनफॉर्चुनेटली आपके बच्चे को एक रेयर डिजीज हुआ है, कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज। क्या? मुझे हॉस्पिटल में ये बताया गया था कि मेरा बच्चा हेल्दी है। देखिए मिस्टर एंटोन विक्टोरोविच, ये बीमारी जल्दी पकड़ में नहीं आती है। हाँ, पर उसकी प्रेगनेंसी तो नॉर्मल थी। मॉम, इसका कारण सच कहो तो कुछ भी हो सकता है। प्लीज समझिए, इस बीमारी के बारे में एग्जामिनेशन से पहले कुछ नहीं बता सकते हैं। सही कहा, बिना एग्जामिनेशन के कोई डायग्नोसिस नहीं कर सकते। पता है क्या, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ता। एंटोन, कहो ना इनसे कुछ करे। शांत हो जाओ। डॉक्टर, हम क्या करें? हम जो कहें हम करेंगे। एंटोन विक्टोरोविच, आपको बच्चे को एक अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाना होगा। ठीक है, जल्द से जल्द दिखाना ही बेहतर होगा। आप थक गए होंगे, जाकर आराम कर लीजिए। गुड लक टू यू। बेबी का अपडेट देते रहना। गुड बाय डॉक्टर। जानना, बहुत देर हो चुकी है, अब तुम भी सो जाओ। तुम चाहो तो मैं तुम्हारी। सब ठीक है मॉम। मैं यहाँ रुक सकती हूँ, वैसे भी मुझे सुबह तक नींद नहीं आती है। एंटोन, तुम्हें प्रॉब्लम नहीं है ना? जी बिल्कुल, आप रुक सकती हैं, आपका कमरा ऊपर है। किरिल, मेरा एक काम कर दो प्लीज, नताशा को घर छोड़ दोगे और फिर सीधे सुबह आना। ठीक है। थैंक यू एंटोन। जाना,
देखिए, मैं आपको सच बताता हूं, हमें आपके बच्चे का हार्ट ट्रांसप्लांटेशन करना होगा। शुरुआती डायग्नोस्टिक्स और सर्जरी से आगे चलकर बच्चे के नॉर्मल लाइफ जीने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपको जरूरत है एग्जामिनेशन की और ऑब्जर्वेशन की। तो क्या मैं अपने मरते हुए बच्चे को ऑब्जर्व करूं? एंटोन, अगर ट्रांसप्लांटेशन करवाना ही एकमात्र तरीका है तो वो तुरंत हो जाना चाहिए। हम ये तुरंत नहीं कर सकते। हार्ट ट्रांसप्लांटेशन के लिए हमें पेशेंट और डोनर के टिश्यूज के बीच फुल कंपैटिबिलिटी चाहिए। इसके लिए हमें इंतजार करना होगा और धैर्य से काम लेना होगा। प्लस ये सर्जरी बहुत ही ज्यादा महंगी भी है। पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मेन बात यह है कि आप अपना काम सही से करें। और अब हमें जल्दी से ढूंढना है एक डोनर। एक छोटे से बच्चे के साथ कितना अनफेयर है। एक बच्चा जो पैदा होते ही बीमार हो गया, आखिर उसकी क्या गलती थी? उसके साथ सही नहीं हो रहा। ऑफ कोर्स उसकी कोई गलती नहीं है। हाँ, लेकिन जाना को अपनी हेल्थ और प्रेगनेंसी का बेहतर ध्यान रखना चाहिए था, फालतू हरकतें करने के बजाय। ऐसा नहीं है कौस्तिया, वो एक अलग तरह की इंसान है। वो बहुत ही ब्राइट और खुश मिजाज है। हाँ, तुम बोल तो सही रही हो। हाँ, और अब इस गम के कारण नताशा। हाँ एंटोन, क्या हुआ? मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज बुरा मत मानना। हाँ बोलो ना। जानना की तबीयत खराब है, वो किसी रेस्टोरेंट में गई है। हाँ, पर क्यों? अपने मन को डाइवर्ट करने के लिए। बेबी कैसा है? वो ठीक है, नानी के साथ है। हाँ, मैं चाहता हूँ कि तुम उसे वहाँ से लेकर आ जाओ। वो किसी और की बात नहीं सुन रही। ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ। मैं यहाँ जरूरी मीटिंग में हूँ। थैंक यू। यू आर वेलकम। मैं किरण को तुम्हें पिक करने के लिए भेजता हूँ। अच्छा ठीक है, बाय। हेलो मैम, गुड आफ्टरनून। मिस्टर एंटोन ने कहा था आप आएंगी, जल्दी चलिए प्लीज। चलो यहाँ से। जेंटलमैन, प्लीज आप सभी मेरी बहन नताशा से मिलिए। जानना, यहाँ कोई नहीं है। कोई नहीं है? क्या मतलब है तुम्हारा? स्टॉप इट, पागल कहीं की। ये है इवान पेट्रोविच, ये इस बेस के डायरेक्टर हैं। इन्होंने निकिता को एक कार गिफ्ट की है, एक BMW जो बेहद खूबसूरत है। ये सेंट्रल से पावल है। हाय पावल। ये है एडिलेना पेट्रोवना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। ये टैक्स ऑफिस में काम करती है, लेकिन इनमें से कोई भी कुछ नहीं कर सकता। मेरा बच्चा मर रहा है। हनी, निकिता बहुत ही स्ट्रॉन्ग बच्चा है, ड्रिप से उसकी कंडीशन सही हो रही है, तुमने खुद ही देखा था, है ना? बात को समझो हनी, तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। तुम एक माँ हो, तुम्हारा बेटा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। उसे ट्रीटमेंट और उसकी माँ दोनों चाहिए। जानना, उसे एक दिल चाहिए, एक दिल। ये सब मेरी गलती है जो वो ऐसा पैदा हुआ। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अगर तुम ऐसे ही बिहेव करती रही तो फिर सब तुम्हें ही ब्लेम करेंगे। बस करो और चलो यहाँ से, रोना बंद करो। चलो शांत हो जाओ और खुद को संभालो।
सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो भी ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो, ठीक है? घर चलो। चलो जाना, तुम स्ट्रांग हो। जेंटलमैन, आप ये पार्टी कंटिन्यू कीजिए, नताशा और मैं घर जा रहे हैं। अब चलो यहां से, सारे कैंडल्स बुझा दो। हनी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, मेरा यकीन करो, हम सब खुश रहेंगे। तुम देखना, सब ठीक हो जाएगा। गुड बाय। गुड बाय। गुड बाय एंड गुड लक। बाय। कौस्त्या। नतालिया इगोरेवना। हमारे यहाँ मेहमान आए हैं। हेलो नताशा। अंदर आइए। हाँ हाँ। हेलो सर। मैं बस थोड़ी देर के लिए आया था। तुम्हें थैंक यू कहना चाहता था। थैंक यू। जानना कैसी है? वो ठीक है, संभाल रही है। कल तुमने मेरी बहुत मदद की, उसके लिए थैंक यू। थैंक गॉड। नतालिया इगोरेवना, एक एग्रीमेंट हमारे लिए और दो कॉपीज क्लाइंट के लिए। क्या आप कॉफी पीना चाहेंगे? नहीं थैंक यू। थैंक यू कौस्त्या। ओके। नताशा, एक और बात, हम तुम्हें एक पार्टी में इनवाइट करना चाहते हैं। तुम लोग हमेशा पार्टी क्यों करते रहते हो? मैं बहुत बिजी हूँ, और वैसे भी तुम्हें बच्चे का ख्याल रखना चाहिए, है ना? नताशा प्लीज समझो, मैं जानना को अकेले नहीं छोड़ना चाहता। तुमने खुद उसे कल देखा था, हम उसे डिस्ट्रैक्ट करेंगे, सिर्फ अपने लोग होंगे, मैं, तुम, जानना, पेरेंट्स, आलिया, किरिल, वो तो फैमिली मेंबर जैसा ही है, और कुछ क्लोज फ्रेंड्स। सिर्फ अपने लोग होंगे, तुम भी ना एंटोन। क्या तुम काम के अलावा और कुछ नहीं सोचती? देखो कौन बोल रहा है, द ग्रेट गैट्सबी। ओके देन, हिसाब बराबर। लेकिन मैंने भी एक दिन छुट्टी ली है, तो कोई बहस नहीं चलेगी, ठीक है? जरूर आना। चलो बाय बाय। ठीक है, बाय, कल मिलते हैं। पक्का। गुड बाय। बाय बाय। सी यू। जाना का हस्बैंड तो बड़ा ही कूल है। हाँ, और अच्छा आदमी भी है। अरे क्या कर रहे हो? उससे मिलवाओगी? नहीं, मुझे बिल्कुल मिलवाऊंगी, हम फ्रेंड्स जो हैं। वैसे हम दोनों पार्टनर्स भी हैं। ओह यस बॉस, अपना काम करो। हाँ मामा, उसने कहा था, पर मैं क्या करूँ, ट्रैफिक बहुत ज्यादा था, मैं लेट हो गई। सब ठीक हो जाएगा बेटा, वो अभी यंग है, स्ट्रॉन्ग है, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। तुम इतना बोर क्यों हो रहे हो कमांडर? मैं तुम्हें मेरी बहन को पटाने की परमिशन देती हूँ, तुम आज कुछ भी कर सकते हो। आज तो काम नहीं कर रहे हो ना? आज तो तुम्हें सब अलाउड होगा ना? मेरे साथ डांस करेंगी? क्या आप मेरे साथ डांस करेंगे? आपका नाम क्या है? मेरा नाम अलीना है। नाइस टू मीट यू। आप बहुत अच्छा डांस करते हैं। माफ कीजिएगा। मॉम, नताशा को देखिए, नताशा को देखिए उधर। हेलो, कोई मदद चाहिए? क्या फिर से तुम्हें एंटोन ने भेजा है? नहीं, मैं खुद आया हूं। मैं आगे बैठ सकती हूँ क्या? हाँ बिल्कुल बैठ सकती हूँ, मुझे बैक सीट पर अच्छा नहीं लगता। संभल के। Thank you.
आइए. थैंक यू. आपका घर आ गया. हाँ, थैंक यू वेरी मच. अंदर तक छोड़ दूँ? नो थैंक्स, मैं खुद चली जाऊंगी. नताशा, क्या तुम चाय पीना चाहोगे? लिफ्ट दी है तो चाय तो बनती है. तुम तो मेरी हेल्प कर रहे थे ना. नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है. तो फिर मुझे तुम्हें कितना देना पड़ेगा? चाय तो कभी भी पी सकते हैं, जैसा डिस्कस किया था वैसा करें. पहले हम दोनों मूवी जाएंगे और उसके बाद पार्क में घूमने जाएंगे और फिर हम. एक ट्रिप के लिए बहुत ज्यादा कीमत नहीं मांग रहे हो? बिल्कुल नहीं, मैं कल तुमसे मिलने फिर आऊंगा. कल फिर से? अगर तुम हाँ कहो तो कल शाम 6 बजे. सोच कर बताऊंगी. ठीक है? ठीक है, मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा. कल शाम 6 बजे. मैं यूनिवर्सिटी के 3rd ईयर में ही काम करने लगी थी ताकि अपने पेरेंट्स पर बोझ ना बनूं. क्लाइंट्स, ऑर्डर्स. वैसे ये मैंने डिजाइन किया है. मैं कुछ ज्यादा ही बोल रही हूँ क्या? तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है ना? नहीं, मुझे बहुत इंटरेस्ट है. मुझे मीठा पसंद नहीं. जब मैं नर्वस या बीमार होती हूँ तभी मीठा खाती हूँ. एक्सक्यूज मी. जी बोलिए. मैंने गलत ऑर्डर प्लेस किया है, आप प्लीज इसे ले जाइए. क्यों? नहीं नहीं, देखो मैं नहीं चाहता कि मेरे वजह से तुम नर्वस हो या बीमार हो जाओ. हमें बहुत भूख लगी है तो प्लीज आप हमारे लिए मटन लेग ले आइए, साथ में जॉर्जियन सूप और एक वाइन. शाटो डी ट्रेसी 1998. क्या, कौन सा ईयर? 1998. ऐसी तो कोई वाइन नहीं है सर हमारे पास. तो फिर आप हमारे लिए इस होटल की सबसे एक्सपेंसिव वाइन ले आइए. ओके, आपके लिए कुछ स्पेशल लाते हैं. थैंक्स. अब बेहतर फील कर रही हो? बढ़िया. चलो, तुम्हें पसंद तो आई. ओह, कितनी बढ़िया कहानी है. किरल, एक बात बताओ, तुम इतने स्मार्ट हो पर एक गार्ड की नौकरी क्यों कर रहे हो? या सिक्योरिटी हेड या चाहे जो भी कह लो. समझ सकता हूँ, एक बिजनेस लेडी और एक गार्ड, ये जोड़ी थोड़ी अजीब है ना? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था. बस भी करो, मैं सिर्फ जानना चाहती हूँ. एंटोन ने एक बार मेरी मदद की थी जब मैं मुसीबत में था और फिर उन्होंने मुझे एक काम का ऑफर दिया था. 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट. मैं मना नहीं कर पाया और देखो 2 साल बीत भी गए. मैं लॉ पढ़ रहा हूँ इसलिए कुछ बड़ा सोच रखा है. अगर सीक्रेट ना हो तो अपने प्लान्स बताओगे? सबसे पहले मैं मैरी गो राउंड में बैठना चाहता हूँ. क्या कहा? मैंने कहा मैं मैरी गो राउंड में बैठना चाहता हूँ. तुम्हारे साथ चलो. अरे, चलो चलो चलो. हील्स पहन रखी है. मजा आ रहा है ना? बहुत. चलो उड़ते चलो. हाथ दो मुझे. हाँ, आराम से हाथ दो. आज का दिन बहुत अच्छा बीता है ना? हाँ. अब मैं चलूं? ओके, ठीक है, बाय.
मैं यहाँ रुकने का बहाना ढूंढ रहा हूँ। पैराडॉक्सेस ऑफ द फेट का डायलॉग याद है? मैं तुम्हें रोकने के लिए बहाने ढूंढ रही हूँ, पर वो मुझे मिल नहीं रहे। तुम्हारे घर का टैप खराब हो? हाँ टैप, क्यों नहीं। वैसे मैं एक बहुत अच्छा प्लम्बर हूँ। तो फिर चले। तुम इतनी उदास क्यों हो? नहीं तो? थकी हुई हो क्या? नहीं, मैं ठीक हूँ। तुम्हें अक्सर ऐसे ड्रेस पहनने चाहिए और घूमने जाना चाहिए, फिर तुम हमेशा खुश रहोगी। Scheduled address E1998. Thank you so much. कितना बढ़िया दिन है ना? मैं तुम सबको बहुत प्यार करती हूँ। सिर्फ हम सबको या किसी बाहर वाले को भी? जानना, प्लीज मेरी बात को घुमाओ मत। मुझे दिख रहा है कि तुम प्यार में दीवानी हो रही हो। दीवानी? क्या बकवास है। ओह अच्छा, तो तुम प्यार में पागल हो गई हो? हाँ बिल्कुल, ये बेहतर है। क्या तुम्हें प्यार हो गया? क्या तुमने कुछ किया? जानना। ठीक है ठीक है, तुम अपना सीक्रेट छुपा लो, लेकिन वो तुमसे नजरें हटा नहीं पा रहा है। नजरें हटा नहीं पा रहा है? वो तुम्हें इस बात की रिपोर्ट तो नहीं कर रहा है ना? कोई जरूरत नहीं है, वो तो देख के ही समझ आ रहा है, पर वो तो केवल तुम्हें ही देख रहा है। बस करो। चलो। मुझे कॉफी स्ट्रॉन्ग पसंद है, याद रखना, ठीक है? श्योर। ये हमारी नई एम्प्लॉय है। गुड मॉर्निंग। बॉस आप बिजी तो नहीं? नादेंका अंदर आ जाओ, एक बार फिर से इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। ये हमारी बॉस नतालिया इगोरेवना, और इनकी एक खासियत, ये बहुत ही काइंड बॉस है, इसलिए मैं तुम्हें सलाह देना चाहूंगा कि तुम इनकी हर बात मानना, नहीं तो तुम्हें सीधा काम से निकाल दिया जाएगा। श्योर मिस्टर कॉन्स्टेंटिन पेट्रोविच। नादिंका अब तुम जा सकती हो। ठीक है। हमें खुद सारे काम करने नहीं चाहिए, एक सेक्रेटरी तो हायर कर सकते हैं। तो क्या तुमने उसे काम समझा दिया है? हाँ लगभग। ठीक है फिर शुरू करते हैं। ठीक है। आज 3 कंपनियों से बात करनी है, एक बार ये देख लो। एक ज्वेलरी, एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी। क्या हुआ? कुछ नहीं, सब ठीक है, सॉरी। क्या हुआ इनको? पता नहीं, तबीयत खराब है क्या? मिस नताशा क्या हुआ आपको? क्या मैं आपके लिए एम्बुलेंस बुला दूं? नहीं बस मेरा सर थोड़ा घूम रहा है। टेंशन मत लो, तुम अपना काम करो, ठीक है? हेलो नताशा, मैं अभी तुमसे बात नहीं कर सकती। पर मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। ठीक है बताओ। देखो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, 2 हफ्तों से मेरा पीरियड भी लेट है, या शायद और देर हो गई है। उल्टी हुई थी क्या? हाँ सुबह उल्टी हुई थी। तुम प्रेग्नेंट हो क्या? तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हुआ था? हाँ। सच में? पर कैसे? सीरियसली बताओ ना। क्या खबर दी है तुमने? मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूं। जाना। नताशा, क्या तुमने किरिल को बताया? नहीं, क्यों? उसे अभी तुरंत मत बताना। आज मिल सकती हो?
मैं तुम्हें बताती हूँ उसे सरप्राइज कैसे देना है। पहले तो हम इस ओकेजन को सेलिब्रेट करेंगे और फिर मैं तुमसे सीरियसली कुछ बात करना चाहती हूँ। ठीक है, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल। बढ़िया, मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा, ठीक है ना? आई लव यू नताशा, टेक केयर, बाय। सो जाओ मेरे सोना, एक चमकता चांद उड़ रहा है आकाश में तुम्हारे और मेरे ऊपर। माँ नहीं सो रही है, वो तुम्हारे सपनों को गार्ड कर रही है। माँ अपना दिल तुम्हें दे रही है, माँ नहीं सो रही है, वो तुम्हारे सपनों को गार्ड कर रही है। माँ अपना दिल तुम्हें दे रही है, माँ अपना दिल तुम्हें दे रही है। सो जाओ मेरे सोना। सन्ना चलो, नताशा आ गई है, तुम बाहर आओगी? बोलो। मैं नहीं चाहती थी कि ऐसा कुछ हो। मुझे ये तुम्हें बताना ही था। थैंक यू सो मच। पता है क्या, थोड़ा केक खाते हैं, हाँ? चलो बस एक स्लाइस। नहीं नहीं, मुझे नहीं खाना है, मेरा मन नहीं कर रहा। नताशा, मैं एक अच्छा काम करना चाहती थी, मुझे नहीं पता था कि ये इतनी जल्दी हो जाएगा। मैंने उसे बस तुम्हारा दिल बहलाने को कहा था, तुम्हें एंटरटेन करे, कहीं घुमाने ले जाए। एंटोन ने उसे इसके लिए बोनस भी दिया। आई एम सो सॉरी। एक बोनस? कूल। हनी, आई एम सॉरी, मैं बस तुम्हारा भला चाहती थी। तुम हमेशा अकेली रहती थी, माँ चिंता करती है कि मेरी शादी हो गई है, तुम्हारी नहीं। मैं तो बस यही चाहती थी कि तुम्हें औरत होने का एहसास हो, कोई तुम्हें स्वीट्स और फ्लावर्स दे, तुम्हें रेस्टोरेंट ले जाए। घर के टैप्स? क्या, कौन से टैप्स? घर के टैप्स रिपेयर करवाने हैं। आई एम सॉरी हनी, मेरे साथ थोड़ी देर और रुक जाओ ना, मत जाओ, थोड़ी चाय और केक हो जाए, निकिता भी उठने वाला होगा, उससे मिल लेना। आज नहीं हनी, फिर कभी, ठीक है? मुझे कुछ सोचना है। नताशा। क्या? आई एम रियली सॉरी। मैं तुमसे नाराज नहीं हूं। स्वीट्स और फ्लावर्स कहाँ है? मैं समझ गया, अगली बार याद रखूंगा। याद रखोगे? फिर लिस्ट एंटोन को भेज देना। तुम्हें किसी ने परेशान किया तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। लेकिन उस तक पहुंचना तुम्हारे बस का नहीं है। आज मेरा दिन अच्छा नहीं था। नताशा, आखिर हुआ क्या है, मुझे कुछ तो बताओ प्लीज। बताने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे एंटरटेन करके तुम्हें नया एक्सपीरियंस मिल गया, अब तुम फ्री हो गए होगे। चलो अब निकलो यहाँ से। आखिर ऐसी भी क्या बात? कोई है? कोई बात नहीं है, समझे तुम? तुमने तो अपना टास्क पूरा किया है, तुमने एक ऑफिस रैट को एंटरटेन किया है। लेकिन अब जैसा कि मुझे समझ आ रहा है, आज एक प्रॉब्लम हो गई, शायद तुम्हें बोनस नहीं मिला। अब समझा। नताशा एक बार मेरी बात तो सुनो। मेरे ख्याल से सुनने के लिए अब कुछ बचा नहीं है। कोई बात नहीं, होता है, मैं इंसल्टेड फील भी नहीं कर रही हूँ। अब तो तुम टैब भी रिपेयर कर चुके हो, सही कहा ना? अब तो तुम्हें कोई और टास्क भी मिल चुका होगा, जाओ और उसे करो, तुम्हें बहुत सक्सेस मिलेगी।
तो तुम्हें क्या लग रहा था? मैंने ही उसे सच बताया है, ये लॉजिकल भी है। ये लॉजिकल नहीं है, हमें इसके बारे में कुछ करना होगा। तुम एकदम बेवकूफ हो। मैंने तुम्हें मेरी बहन का मन बहलाने को कहा था और तुमने क्या किया, तुमने मेरी बहन की इंसल्ट की। बस भी करिए, वैसे भी मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। पहले उससे प्यार करूं, उसके आगे के लिए आपकी परमिशन लूं। मैं तुम्हें समझाती हूं। सोचो कि तुम कौन हो और हम कौन है किरिल। हमें तुम्हारी क्या जरूरत है, मैं बस चाहती थी कि वो अपने काम से थोड़ा बाहर भी ध्यान दे। तुमने उसके भरोसे का मजाक बनाया और क्या तुम उसे धोखा देके इस फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हो? हाँ सही कहा ना। तुम्हारे जैसी औरत नहीं देखी। काश मुझे ये बात पहले समझ में आती। मैंने कॉफी के पैसे दे दिए। किरल, क्या तुमने ठीक से सोच लिया? हाँ। रुको 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 रुको, मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ, अब मैं आगे काम नहीं कर सकता। तुम मुझे निराश क्यों कर रहे हो? तुम तो हमेशा हमेशा से मेरे दोस्त थे। कातिया, कातिया, इस एम्प्लॉय को बाहर का रास्ता दिखाओ। बाय। तुम्हारा घर अब पहले से अच्छा हो गया है। तो तुमने क्या डिसाइड किया? अभी तो कुछ भी डिसाइड नहीं किया। मेरे पास अब भी टाइम है। किस बात के लिए? नताशा डिसाइड करने के लिए बचा क्या है? किरिल तो कमीना निकला, बट अभी तुम्हारे लाइफ में बहुत से आदमी आएंगे और ये तो तुम्हारा बच्चा है। एक बच्चे को क्यों मारना, इसे क्यों मारना? सोचो माँ और पापा कितने खुश होंगे। वो तो होंगे ही। चिंता मत करो, हम एक फैमिली हैं। हम इसे बड़ा करने में तुम्हारी हेल्प करेंगे। मेरे जीवन में बहुत दुख है नताशा। निकिता कल फिर से बीमार पड़ गया था, उसे फिर से ड्रिप्स चढ़ानी पड़ गई। उसके हाथ कितने छोटे हैं, उसकी नसें धागों जितनी पतली हैं। क्या मुझे उसे जन्म देने का अफसोस है? बिल्कुल भी नहीं नताशा, एक सेकेंड के लिए भी नहीं। बच्चों से ही खुशियां आती हैं। इस नंबर पर फिर से कॉल मत करना। वही था? जानना, अब मैं क्या करूं? कमीना कहीं का। नताशा, पता है मैंने अभी क्या सोचा है? तुम निकिता के सभी छोटे कपड़े यूज कर सकती हो। थैंक यू सो मच सान्ना। सब कैसा चल रहा है? डॉक्टर ने क्या कहा? क्या अपडेट है? हाय मामा, बेबी कैसा है? और नताशा, हमारा नाती कहाँ है? हम उसे यहाँ ले आए हैं, वो घर में है। मुझे इससे प्यार है। और कितनी देर वेट करना पड़ेगा? आ जाओ, मुझे बेबी को देखना है, प्लीज।
मेरी प्यारी सी नातिन, मेरी प्यारी बच्ची। कांग्रेचुलेशंस। इसका नाम क्या रखा है? लीडा। लीडा बेहद सुंदर है। एंटोन गोद में लोगे? ओके नताशा, फ्रेम में आओ जरा। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, बढ़िया बढ़िया, स्माइल स्माइल, ये हुई ना बात। फोर्थ फ्लोर, अंदर सिचुएशन क्या है? थैंक यू जानना, वो तो मेरा घर है। क्या? मेरे घर की खिड़की। पक्का? हाँ।